स्मार्ट सिटी के बुखार ने शहर के ज्यादातर हिस्सों में पैर जमाए, लेकिन कुछ इलाकों को छोड़कर हम बात कर रहे हैं तोड़फोड़ कर कार्रवाई करने वाले अमले के। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करते हुए शहर को स्मार्ट बनाने की गई तोड़फोड़ सिर्फ आम जनता और सामान्य व्यवसायियों पर ही की गई है, जबकि कब्जा कर बड़ा व्यवसाय करने वालों को भरपूर मोहलत दी जा चुकी है। पहले नवरात्र पर और अब दीपावली की आड़ में बैठे बेचा कब्जाधारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये अभी भी अस्पष्ट है। उच्च न्यायालय की फटकार के बाद सक्रिय हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एक बार फिर से सुस्ती छा गई है। वहीं स्मार्ट सिटी की दुहाई देकर जिन मकानों दुकानों को तोड़ा गया है, उनके दुकानदारों और निवासियों को अब प्रशासन का पक्षपात नजर आने लगा है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के रुकने की वजह स्पष्ट नहीं होने की वजह से अब ये माना जा रहा है कि निगम प्रशासन रसूखदारों और ऊंची पहुंच वालों तक पहुंचते पहुंचते अपनी कार्रवाई की दिशा बदल देती है या फिर कार्रवाई बंद कर देती है। ताजा हालात यही दर्शा रहे हैं और जिन्होंने अपनी दुकानें मकान तुड़वा लिए हैं, अब वे लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सबको रियायत दी गई, सबका मतलब किसी का कुछ नहीं टूटा, सिर्फ हमारी दुकान को तोड़ा गया। और जो रोज व्यवसाय, रोज कमाना, रोज खाना है, यहाँ पे सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, सबकी इमारतों को छोड़ा गया, सिर्फ हमारी दुकान को ही तोड़ा गया। जो बेजा कब्जा है उनको लगाने दिया गया, दिवाली तक का समय मिला, हमको क्यों नहीं मिला समय? हमारा, हमारे पिताजी का, सबका पूरा व्यवसाय तोड़ दिया गया। कुछ नोटिस नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सीधा आए, निशान लगाया, तोड़ दिए। मैं केस करूंगा, कोर्ट पे जाके केस करूंगा। कोई ध्यान ना दिया तो मेरा परिवार और मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार है। पूरी तरह थम चुकी अतिक्रमण कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारियों को अब शहर की जनता शक की नजर से देखने लगी है। चौक चौराहों पर प्रशासन द्वारा दी गई रियायतों की चर्चा गर्म होने लगी है। नवरात्र और दीपावली की आड़ में बेजा कब्जाधारी अपने कब्जे बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निगम प्रशासन सफेद पोश बेजा कब्जाधारियों को इसमें पूरा अवसर प्रदान करने जैसी भूमिका अदा करने में जुटा हुआ है। कछुए से भी बदतर गति में पहुंच चुकी निगम प्रशासन की कार्रवाई में स्पीड ब्रेकर बनने वाले आखिर कौन है, ये समझना अब जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय के लिए लाजमी लगने लगा है। कैमरा पर्सन सतीश पाठवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर।